तो आज हम बात करने वाले हैं टाइटैनिक मूवी के कुछ फैक्ट्स और बिहाइंड द सीन्स के बारे में। टाइटैनिक मूवी को पूरे 200 मिलियन डॉलर्स में बनाया गया था, जिसने वर्ल्ड वाइड 2 बिलियन डॉलर्स का कलेक्शन किया था। कास्टिंग की बात करें तो मूवी में केट विंसलेट और लियोनार्डो डी कैप्रियो लीड रोल में है। हालांकि जॉनी डेप को लियोनार्डो की जगह कास्ट किया जाने वाला था, पर डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने जैक के रोल के लिए लियोनार्डो को ही फाइनल कर लिया। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें टाइटैनिक को दिखाया जाता है जो काफी सालों से पानी में डूबा हुआ है। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि जेम्स कैमरॉन ने खुद अटलांटिक ओशियन में 13,000 फीट की गहराई में जाकर फोटोज को लिया था, और कैमरॉन की इसी पैशन की वजह से वो वर्ल्ड के टॉप डायरेक्टर्स में आते हैं। बात करें मूवी के टाइटैनिक शिप की तो वो एक्चुअली में एक मॉडल है, जिसे कई बार फिल्म में दिखाया गया है। टाइटैनिक शिप के मॉडल को बिल्कुल रियल वाले टाइटैनिक जैसा बनाया गया है, इसीलिए उसमें काफी बारीकी से काम किया गया था। टाइटैनिक का ये पोज काफी फेमस हुआ था, जिसे ग्रीन स्क्रीन लगाकर शूट किया गया था, जिसे बाद में VFX के मदद से ओशियन दिखाया गया है। साथ ही सीन में रियलिस्टिक फील के लिए CGI से चिमनी से निकलता हुआ धुआं और डिजिटल बर्ड्स को भी दिखाया गया है। टाइटैनिक पहली मूवी थी जिसमें मोशन कैप्चर का यूज हुआ है, और उसी की मदद से शिप के ऊपर इंसानों को दिखाया गया है। आइसबर्ग वाले सीन को भी ग्रीन स्क्रीन की मदद से शूट किया गया था, और बाद में उसे रियल आइसबर्ग को शूट करके मूवी के साथ मर्ज कर दिया गया था। सिंकिंग सीन में सबसे ज्यादा मेहनत और सबसे ज्यादा पैसा लगा था, और खास बात तो यह है कि इस सीन को एक पुल में शूट किया गया था। डूबते हुए टाइटैनिक को दिखाने के लिए 236 मीटर के मॉडल का यूज किया गया था, और उसे एक्चुअली में डिस्ट्रॉय किया गया था, तभी तो रियल वाले टाइटैनिक शिप से ज्यादा पैसा टाइटैनिक मूवी को बनाने में लगा था। शिप के मॉडल को 3 हिस्सों में जोड़ा गया था, जिसमें से पीछे का हिस्सा पूरे 90 डिग्री में डूब सकता था, और आगे का 55 मीटर का भाग कुछ ही डिग्री में टिल्ट किया जा सकता था। इसीलिए उसे कैमरे को X डिग्री में करके शूट किया गया था, ताकि वो ज्यादा टिल्ट दिखाई दे, और इंसानों को स्लाइड कराने के लिए उनके लाइफ जैकेट में रोलर्स लगे थे, ताकि वो कम टिल्ट में भी तेजी से स्लाइड हो सके। शिप में जितने भी लोहे के चीजों को दिखाया गया है वो एक्चुअली में रबर के थे, ताकि लोगों को चोट ना लगे। सिंकिंग सीन में काफी सारे स्टंटमैन का यूज किया गया था, और सब ग्रीन स्क्रीन लगा के शूट हुआ था। और फन फैक्ट तो यह है कि मूवी में गर्म पानी का यूज किया गया था, बट एक्चुअली में टाइटैनिक जमा देने वाली पानी में डूबा था। अंत में बात कर लेते हैं टाइटैनिक से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। टाइटैनिक मूवी के बनने के बाद सभी ने सोचा था कि मूवी फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि वो 3 घंटे लंबी थी और काफी महंगी भी थी, पर रिलीज होने के बाद मूवी सबको काफी पसंद आई। जेम्स कैमरॉन हर एक चीज ठीक वैसे ही रखना चाहते थे जैसे रियल शिप में था, इसीलिए मूवी के शिप के कारपेट को भी सेम कंपनी ने ही बनाया था जिसने रियल शिप के लिए बनाया था। जेम्स कैमरॉन ने इतनी अच्छी मूवी बनाने के बावजूद अपनी फीस नहीं ली थी, क्योंकि उन्हें बस अपना काम करने में मजा आता था, और ये बात खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था। वैसे आपने टाइटैनिक मूवी देखी है या नहीं कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।